भाई YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है सानू की शैतानी, ठीक है। अगर आप YouTube पर शॉर्ट वीडियोस या कार्टून रिलेटेड वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं तो आप कभी ना कभी उनका वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। वो उनके चैनल पर जो है कार्टून रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं और भाई 132 वीडियो से उनके चैनल पर 70 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने कम्प्लीट कर लिया है और उनके पर वीडियो पर करोड़ों में व्यूज आते हैं भाई, ठीक है। शॉर्ट वीडियो पर करोड़ों में व्यूज आते हैं और लॉन्ग वीडियो पर लाखों में व्यूज आते हैं, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही अपलोड करते हैं उनके चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर साइड में इसकी रिकॉर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं जितनी भी सारे यहाँ पर वीडियोस आप लोग देखने को मिल जाएगा, सभी वीडियो पर करोड़ों में व्यूज है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो भाई अर्निंग करता ना यूट्यूब से पर मंथ, ये लाखों में अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। इनकी वीडियो पर व्यूज देखो, करोड़ों में व्यूज आ रहा है तो लाखों में तो अर्निंग होगा ही भाई। तो आज की इस वीडियो में बस आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि इनके जैसा आप कार्टून वीडियोस को कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो भाई देख लीजिए कैसे आप लोग इस तरह का वीडियोस बना सकते हो, ध्यान से देखते रहिए, मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें मत करते, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर का आपको इंस्टॉल कर लेना होगा आपके सिस्टम में। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एक ऑप्शन है न्यू सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है न्यू सीन। तो जैसे न्यू सीन ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यू सीन्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिटी का बैकग्राउंड है, हॉस्पिटल है, होम है, उसके बाद लाइटिंग है, मिलिट्री है, प्रिसन है, साईफाई, काफ़ी सारे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी कार्टून स्टोरी के अनुसार यहाँ पर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कोई सा भी बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये एक पार्क का बैकग्राउंड है तो इसको मैं चूज़ करके ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीन हमारा लोडिंग हो चुका है। सीन को आप इधर उधर रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, चलो यहाँ पर कैरेक्टर कैसे ऐड करोगे वो भी मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। तो कैरेक्टर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको कैरेक्टर ले लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप कैरेक्टर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर दो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, आप जितनी चाहे आप मल्टीपल कैरेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस कैरेक्टर को मैं इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एक मेल और एक फीमेल कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को आप कस्टमाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर को कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको सिंपल से कैरेक्टर के मतलब कैरेक्टर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस के राइट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एडिट वाला ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। एडिट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद ये जो है एक पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पर कैरेक्टर को कस्टमाइजेशन करने का बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो हेड है, हेयर है, या हेयर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप छापरी टाइप का लड़का बनाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छापरी टाइप का लड़का बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर टिकटॉकर गर्ल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको देख लेना होगा जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके स्टोरी के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब है आप यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में और भी कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, यहाँ पर वेल आप देना चाहते हो, फिर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना भाई, ये जो बेड जिसको बोलते हैं ये भी आप दे सकते हो। देख सकते हो टीवी, थिएटर, स्पोर्ट, स्पोकी शॉप, स्वेयर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, ये पत्थर वगैरह, फूल, ये डस्टबिन, तो भी उसको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर डिलीट बटन है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इसको अगर आप डबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इस एक को एक साइड में यहाँ पर उठा कर ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें जो कि आप लोग देख सकते हैं, बैकड्रॉप इफेक्ट, लाइटिंग, वॉल, टेक्स्ट, कैमरा, ये सारे आप लोग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं कैमरा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कैमरा लेने के बाद इस कैमरा को मैं इस साइड में ऐड कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट, तो एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर एडिट कर सकते हो, कैमरा एडिट कर सकते हो, फिर यहाँ पर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट वगैरह है सब कुछ आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू, तो इस व्यू वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर यूनिट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब डार्क, लाइट, ये सब आप लोग सेट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉक मूव, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हो, मूव करना चाहते हो कर सकते हो, लाइटिंग वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो, कैमरा व्यू आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि इस कैरेक्टर में डायलॉग कैसे ऐड करोगे। ठीक है, तो डायलॉग ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पॉपर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको एक न्यू ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब दो प्रकार से आप यहाँ पर वॉइस ऐड कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है तो उस फाइल को आप यहाँ पर इनपुट भी कर सकते हो, और अगर आप कार्टून बनाते बनाते ही आप मतलब वॉइस ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली से रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हेलो, तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जस्ट एक छोटा सा डायलॉग ऐड किया है, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलो मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके सुना भी देता हूँ। तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वॉइस को ऐड कर दिया है, अब देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर फिर से आपको रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और आप चाहे तो और भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरा नाम जूली है और मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। तो वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद आपको जस्ट ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखो एक ही ट्रैक में दोनों वॉइस यहाँ पर हो चुका है ऐड। अब आपको करना क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ये देखो जो है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद टाइम लाइन को सिलेक्ट कर लेना होगा। टाइम लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, टाइम लाइन को थोड़ा छोटा कर लीजिए, तभी आपको काम करने में सुविधा होगी। और कैनवास का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस कैनवास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और आप लोग देख सकते हैं कैमरा वन एंड कैमरा टू, कैमरा वन में किस तरह का व्यू दिखा रहा है और कैमरा टू में किस तरह का व्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखने के लिए। तो यहाँ से आप व्यू को चेंज कर सकते हो और वीडियो को बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आप कैमरा मूवमेंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से कैमरा मूव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा, जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैमरा वन या कैमरा टू को मूवमेंट कराना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं टू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर मूवमेंट करा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जिस टाइप का व्यू लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो, कुछ इस तरीके से, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, उसके बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं एक वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो वीडियो वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं एक वीडियो का एक यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितने सेकंड का वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इसका साइज वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं एक वीडियो वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे वो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन हो रही है ऊपर में, देखो स्क्रीन में। तो मेरा लैपटॉप गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है, इसलिए मैं आप लोग इतना प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, बट आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इस तरीके से वीडियो को बना सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो यही तो गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।